हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिन पर। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो निकल कर रही, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले छात्र जो हैं बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन भी किए। आप सभी लोगों ने इसको भी देखा होगा, काफी ज्यादा चर्चा में भी था, न्यूज में भी आया, न्यूज पेपर में भी आया इसको लेकर के। फिर उसके बाद कमेटी बनाई गई, छात्रों से भी सलाह लिया गया और आज जो है उसकी कमेटी रिपोर्ट के बारे में एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है सभी छात्रों के लिए। तो जो भी साथी चैनल पर नए पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलेगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी लोगों को बता दें कि जो है बायजूज आप सभी लोगों के लिए बिहार टेट 2022 के लिए फाउंडेशन कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है। ये जो कोर्स है आपका 5 मार्च 2022 से 31 जुलाई 2022 तक चलेगा और इसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। आप सभी लोग इसकी फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको 170 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 160 से ज्यादा चैप्टर्स जो है समरी के साथ पीडीएफ और वीकली जो है इसमें 6 वीकली असेसमेंट टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। यहां पर आप सभी लोगों को 8 मॉक टेस्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आपको इंक्लूड रहेगा। आप सभी लोगों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा, जो क्विज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा वो भी हिंदी और इंग्लिश में होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अगर आप सभी लोगों को ये कोर्स चाहिए तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं TH30। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 30% की डिस्काउंट भी मिल जाएगी। यहां पर आप लोग खबर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है आज का ही न्यूज पेपर है ये हिंदुस्तान का, रेलवे भर्ती कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, मिल सकती है राहत। रेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी ने एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट व ग्रुप डी परीक्षा को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेगी, इसका निर्णय जल्द लिया जाएगा, इसके बाद आगे की परीक्षाएं होंगी। इधर रेलवे एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट में सुधार बढ़ाने और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा एक बार ले जाने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में पकड़े गए अभ्यर्थियों का अभी तक बेल नहीं हुआ है। वहीं शिक्षकों पर दर्ज हुई प्राथमिकी भी समाप्त नहीं हुई है, हालांकि इसे वापस करने की बात कही गई थी। छात्रों ने आंदोलन के बाद रेल मंत्रालय ने 26 जनवरी को 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने देश भर में सभी आरआरबी में जाकर अभ्यर्थियों से बातचीत की थी, इनकी समस्याओं को सुना था। रेलवे की ओर से अभ्यर्थियों से ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, यह आवेदन 16 फरवरी तक लिया गया था। रेलवे को करीब 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के बाद कमेटी को सही तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर 4 मार्च तक रिपोर्ट जमा करना था। वहीं इस कमेटी शामिल आरआरबी के कार्यपालक निदेशक स्थापना और सदस्य सचिव राजीव गांधी ने बताया कि मंत्रालय को रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है, इस पर मंत्रालय को फैसला करना है। कमेटी ने अभ्यर्थियों की समस्याओं के अनुसार बिंदुवार रिपोर्ट तैयार कर सौंपी। आप सभी लोगों को हम बता दें, दरअसल जो 20 गुना छात्रों को बुलाया जाना था उन 20 गुना छात्रों को नहीं बुलाया गया, उसी को लेकर के प्रदर्शन था। बाद में इस पर कमेटी मिली, इस पर जांच पड़ताल की जा रही है और अब उम्मीद यही है। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि अभ्यर्थियों ने की थी एनटीपीसी का रिजल्ट 20 गुना अधिक देने की मांग और इस पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। करीब 7 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। यहां पर भी ये चीज बता दी गई है कि रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने, जानकारों की माने तो एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट में सुधार करते हुए इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, सीट के बीच गुणागणित दिया जाएगा, करीब 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के छात्रों के सर्टिफिकेट, नया सर्टिफिकेट की छूट दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा ग्रुप डी की परीक्षा को सिर्फ एक बार कराए जाने की भी संभावना है। हालांकि छात्रों की संख्या अधिक है, इसकी वजह से मंथन होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कमेटी का रिपोर्ट सौंपा जा चुका है, लेकिन जो यहां पर चीजें निकल कर आई है, जो इस न्यूज पेपर के माध्यम से आया है, इसमें यही चीज निकल कर आई है कि छात्रों की संख्या जो है एनटीपीसी में जो है ज्यादा की जाएगी, लगभग 20 गुना जो है छात्रों की जाएगी और जो ग्रुप डी की एक परीक्षा और यानी सीबीटी 2 की जो बात की गई थी उस सीबीटी 2 को भी यहां से हटाया जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस न्यूज पेपर के माध्यम से और सबसे अच्छी बात यही है कि समय रहते ही कमेटी की रिपोर्ट जो है पहुंच चुकी है। अगर उस पर जल्दी अमल होगा, उस पर सारी चीजें हो जाएंगी तो जल्द ही एनटीपीसी सीबीटी 2 की डेट भी आ जाएगी और उसके साथ ही जल्द ही आप सभी लोगों का जो आपका ग्रुप डी का जो पेपर जो है पोस्टपोन हुआ था उसकी भी डेट जल्द ही जल्द आ जाएगी। तो इन सभी छात्रों के लिए जो है एक अच्छी खबर है। आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब किए रहें ताकि जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिले आप सभी लोगों को वो अपडेट मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।